सत श्री फ्रेंड्स, अज असी बना जा रहे हैं गोभी की सब्जी, जो कि ब्याह शादी के बनाते हैं तल के। तो वास्ते असी एक फुल गोभी का लिया है, तो उन्होंने छोटे छोटे पीसा के कट के धो लिया है। तो उस तो बाद असी कढ़ाई के तेल पा के तो इसनों फ्राई कर लवेंगे। गोभी फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना ताकि इसका पानी जो सुख जाए। एक स्पैचुला की हेल्प के नाल असी इस पलटांगे। इसनों असी थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे ताकि चंगी तरह उपर नीचे तो सारा फ्राई हो जाए। तो उसके वास्ते असी गोभी तड़का लाने वास्ते असी टमाटर लवेंगे 5-6, क्योंकि थोड़ी जी खट्टी सब्जी चंगी लगती है यह। तो गोभी साड़ी तकरीबन फ्राई होन लग गई है, तो असी टमाटर कट लिया छोटे छोटे पीसा के। तो हुण असी गोभी नूं फ्राई करन तो बाद एक प्लेट दे विच निकाल लवेंगे। गोभी फ्राई हो गई है, तो असी फ्राई हुई गोभी नूं एक प्लेट के विच निकाल लिया है। तो उस तो बाद असी आलू फ्राई करांगे। आलू भी असी छोटे छोटे पीसा के कट के धो ले सी, तो सुखा के हुण असी इसनों तेल दे विच पा दिता है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हां नूं भी फ्राई करांगे। इन्हों फ्राई कर थोड़ा जहा टाइम लगेगा। ते आलू भी गोल्डन ब्राउन होने लग गए ने। यह गोभी की सब्जी जो असी तल के बनाने आलू गोभी सब्जी, यह दूजी सब्जी के नाल जो असी आम बनाने डेली घर वो नाल ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हुण असी इन्हां आलूआं नूं भी कढ लवांगे। फ्राई हो गए ने आलू, गोल्डन ब्राउन हो गए ने।
तो हम असी तड़का लाने लिए प्याज पावे कट्टे हुए प्याज ने प्याज तो लसन प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हुण असीं इहदे विच टमाटर पावांगे। टमाटरां नूं गलाउण लई 1.5 चम्मच नमक दा पावांगे। ते 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, ते 1 चम्मच देगी लाल मिर्च जिन्हों असी कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। ते हरी मिर्च गोभी जो तल के रखी सी ते आलू जो फ्राई करके रखे हुए ने वो भी विच पा देंगे। स्पैचुला दी हेल्प दे नाल असीं इसनूं पलटेंगे मिला देवे। उस तो बाद असी इहदे विच पानी पावांगे। यह रैसपी बहुत अच्छी बनती है। जे तुहानू साडी रैसपी चंगी लगी तो साडे चैनल नू लाइक शेयर ते सबसक्राइब कर दिओ। थोड़ा जिहा होर पानी पावांगे। तो सब्जी तकरीबन बन गई है। तो हुण असीं इहनूं हरे धनिए दे नाल गार्निश करांगे। हरा धनिया सब्जी दे विच बहुत अच्छा लगता है। सब्जी साडी बन के तैयार हो गई है। सत श्री अकाल जी।